Hi guys, a very warm welcome to the channel Dare to Fit. In today's video, I will discuss about a public health concern और इसका टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? बहुत ही अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ तो अगर फीमेल का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है 24 से लेकर 28वें हफ्ते में, ठीक है, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर फीमेल का ब्लड शुगर लेवल हाई है, अगर फीमेल को डायबिटीज़ है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रॉब्लम है क्यों? क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हाई ब्लड शुगर प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है, अगर मैं इंडिया के अगर नंबर्स की बात करूँ तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में हैं। 26% है हमारा नंबर, ठीक है, यानी कि हर चार में से एक फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होने का खतरा है, हर चार में से एक फीमेल को। 26% वर्ल्ड वाइड जो नंबर है वो 10% के आसपास है, हमारे यहाँ 26% है, नंबर वन है हम वर्ल्ड में जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। वैसे भी अगर आप बात करो इन जनरल भी डायबिटीज़ में, तो इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल बोला जाता है डायबिटीज़ का, ठीक है, सेकेंड नंबर पर हम वर्ल्ड में डायबिटीज़ में आफ्टर चाइना। तो ऑब्वियसली क्योंकि डायबिटिक ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ बहुत, तो इसलिए जेस्टेशनल डायबिटिक भी ज़्यादा होंगे, अगर आप थोड़ा अगर वैसे कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो अब ये तो था नंबर, क्योंकि एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, 26% नंबर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन यूएस से करो, यूएस में सिर्फ 10% नंबर है। अब प्रॉब्लम क्यों है, मेन बात आती है कि ये प्रॉब्लम है क्यों जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में मदर को काफ़ी रिस्क रहता है और साथ साथ बेबी को भी बहुत रिस्क रहता है, और खाली प्रेगनेंसी के दौरान नहीं है, आगे भी बहुत लाइफ लॉन्ग उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसीलिए एक सीरियस कंसर्न है ये। जैसे कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ है तो उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई होने का खतरा बढ़ जाता है, और खाली यही नहीं, ये भी देखा गया जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ थी उनमें से अराउंड 25% फीमेल्स को प्रेगनेंसी के एक या दो साल के अंदर डायबिटीज़ हो गई, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई थी उनको, ठीक है, और अराउंड 70% फीमेल्स को जिनको डायबिटीज़ थी प्रेगनेंसी के दौरान, 70% उन फीमेल्स को 10 साल के अंदर डायबिटीज़ हो गई। तो प्रॉब्लम खाली प्रेगनेंसी तक ही नहीं है, वो डायबिटीज़ की बाद में जाके उनका बहुत हाई रिस्क पे आ जाती हैं वो, कि बाद में प्रेगनेंसी के बाद भी उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए ये मदर के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। अब अगर मैं बात करूँ बेबी के लिए भी कंसर्न है। बेबी के लिए कंसर्न कैसे है? एक तो जो बेबी का साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा, वेट के मतलब बेबी बड़ा होगा, वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड शुगर होती है वो प्लेसेंटा से पास कर जाती है, और ब्लड शुगर अगर हाई है तो जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज होगा वो बेबी का फैट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है बेबी में, तो बेबी फैटी हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब वेट ज़्यादा होता है तो बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के भी, और जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो जब पैदा होगा तो बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ जाता है, लो ब्लड ग्लूकोज होने का चांसेस हाई हो जाता है बेबी को, तो उस केस में फिर इंट्रावीनस फीडिंग भी दी जाती है ग्लूकोज की एक या दो दिन के लिए बेबी को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बेबी में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, और उस बेबी को, चलो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई जब वो पैदा हुआ, इमीडिएट प्रॉब्लम है जब वो पैदा हुआ, बाद में भी देखा गया जैसे कि मदर को था ना कि बाद में भी डायबिटीज़ होने का मदर को रिस्क खतरा हाई हो रहा है, इसी तरह उस बेबी को भी जो एक डायबिटिक मदर से पैदा हुआ है आगे जाके उस बेबी को लाइफ में डायबिटिक होने का खतरा बहुत हाई रहता है इन कंपेरिजन टू अ बेबी जिसकी मदर डायबिटिक नहीं थी, ठीक है। तो डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर एक अपने आप में कंसर्न है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक वो बताया इसका कि है क्या और किस तरह से ये प्रॉब्लम कॉज करती है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की, कि टेस्ट कैसे होता है। नॉर्मली आज के डेट में एक टेस्ट होता है 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का, HbA1c, बट ये HbA1c अनफॉर्चुनेटली गेस्टेशनल डायबिटीज़ को स्क्रीन करने के लिए काफ़ी नहीं है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर हमें टेस्ट करनी है फीमेल में तो 24 से 28वें वीक में फीमेल का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब OGTT टेस्ट क्या है, इसी से मालूम पड़ता है कि फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि नहीं प्रेगनेंसी के दौरान। OGTT में क्या होता है, फीमेल फास्ट करेगी 8 से
12 घंटे के आसपास कुछ खाएगी नहीं, उसका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 75 ग्राम्स एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिला दिया जाएगा, फिर एक घंटे बाद उसकी ग्लूकोज का सॉल्यूशन पीने के एक घंटे बाद उसकी शुगर टेस्ट करी जाएगी और 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करी जाएगी। तो 3 शुगर की टेस्टिंग होती हैं, पहली होती है फास्टिंग, 1 घंटे बाद ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के, 2 घंटे बाद ग्लूकोज सॉल्यूशन पीने के। फास्टिंग जो नॉर्मल नंबर है इट शुड बी बिलो 92, 1 घंटे के बाद जो नॉर्मल नंबर है इट शुड बी बिलो 180, 2 घंटे के बाद जो नॉर्मल नंबर है इट शुड बी बिलो 153। अगर 3 शुगर की रीडिंग ली जा रही है, इसमें से 2 अगर रीडिंग एबनॉर्मल आती हैं तो डिटेक्ट हो जाता है कि ये फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेस्ट बताया कैसे ये इसको डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, अगर मैं बात करूँ इसके डायबिटीज़ के, गेस्टेशन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। देखो कॉज की अगर बात करूँ तो एज़ पर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कॉज वो कहते हैं अननोन है, ठीक है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं। अब जीन्स हमारे हाथ में नहीं है तो मैं इस पॉइंट को ज़्यादा कंसिडर करता नहीं, वो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में उसके बारे में बात करूँगा वो है लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका, पहली चीज़ तो अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट हुई है तो आपको ब्लड शुगर रेगुलरली चेक कराने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ठीक है, नो फैट डाइट्स, यू नीड अ बैलेंस डाइट। थर्ड, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। चौथा, आपको बेबी का जो वेट है और जो उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बोला बेबी का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और अगर लाइफस्टाइल, पहले तो लाइफस्टाइल के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है इसका, लाइफस्टाइल करेक्शन के थ्रू। अगर लाइफस्टाइल करेक्शन के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं होता देन यू नीड इंसुलिन, ठीक है। फिर आपको इंसुलिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जो भी होता है, दैट्स समथिंग विच योर डॉक्टर विल टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये इसका एक मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब क्योंकि सिंस आई एम अ फिटनेस कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो ज़्यादा उसमें एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से लिंक है। तो हम लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये लाइफस्टाइल के अंदर आता है, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के अंदर आएगा। तो अब हम क्या ऐसी डाइट ले सकते हैं, अब हम क्या ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमें डायबिटीज़ होने का जो खतरा है बहुत कम हो जाए, ठीक है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रो वीडियो दिया जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम पड़े, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है, जबकि पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। इंडिया वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे मैंने बोला था 26% केसेज हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमें पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ है अवेयरनेस, बिकॉज व्हेन यू आर अवेयर ऑफ समथिंग यू हैव अ पावर टू कंट्रोल इट। तो ये सिर्फ मैंने एक इंट्रो अवेयरनेस वीडियो बनाया। अब सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बात करूँगा कि क्या हम ऐसी लाइफस्टाइल करेक्शंस कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्क है डायबिटीज़ होने का वो बहुत कम से कम हो जाए, ठीक है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, इफ़ यू फाइंड इट वर्दी इनफ, देन प्लीज़ डू शेयर इट विद एवरी वन, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।